और हमारा घर था 120 स्क्वायर फुट का एक चौल में रहते थे मेरी सैलरी थी 800 सौ मेरे से कम किसी की सैलरी थी नहीं नवंबर सेवेंटी में मेरे फादर आ गए दिल्ली में अचानक और मुझे बोला नौकरी छोड़ो मैंने बोला क्यों जो मैंने चौदह रुपये में लिया था मुझे ध्यान एक महीने में मैं उसका अट्ठाईस रुपया मैंने बेच दिया डबल हो गया यही तो धंधा है अगर ऊपर जाता तो मैं बेच देता था, था स्टॉक बेचने के बाद और ऊपर जाता तो मुझे दुख होता अरे क्या हुआ नहीं बेचना चाहिए था रुकना चाहिए था मेरे को मालूम था ऊपर जाने वाला जो वेल्थ कमाए थे माँ बाप ने फादर की मदर भाइयों की सब गवा दी मैंने बोला कि अगर मैंने नुकसान किया है कोई तो होगा जिसने मेरा पैसा कमाया मेरा नुकसान किया है तो कोई तो होगा मेरा पैसा कमा अगर वो आदमी पैसा कमा सकता है तो प्रकाश बाबा के मैंने फिर डिसीजन लिया गाड़ी खरीदने लेकिन छः हफ्ते के अंदर मैंने अपना एक हवाई जहाज भी उड़ाया। एक बात तो मुझे पक्का याद है दिवाली की वो रात यस मेरे फादर घर पर आए मेरे बचपन में मैं हूंगा कुछ पांच छः या सात साल का मुझे पता नहीं और उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी नौकरी छोड़ दी यस उनकी सैलरी थी दो सौ नब्बे रुपया महीना इसका मतलब ये है कि दस रुपया भी रोज मेरे फादर नहीं कमाते थे यस दस रुपया भी नहीं कमाते थे और नौकरी छोड़ दी कब की बात है पांच छह या सात साल का था मुझे ध्यान नहीं दिवाली में लोग सेलिब्रेट करते थे खुशियां मनाते थे लेकिन हमारे घर में दुख का माहौल था दुख था कि नौकरी छोड़ गई अब क्या करेंगे मेरे मदर मेरे फादर और दो बच्चे मेरा बड़ा भाई और मैं हम थे और हमारा घर था 120 स्क्वायर फुट का एक चौल में रहते थे दो चार दिन सोचा क्या करेंगे तो एक बार एक बार उनको ख्याल आया एहसास हुआ महसूस हुआ कि वो अपने बॉस के लिए रोज 80 से 100 रुपया कमाते बहुत बढ़िया सेल्समैन थे ए सेल्समैन अगर वो अस्सी से सौ रुपया अपने बॉस के लिए कमा सकते हैं या खुद के लिए दस रुपया नहीं कमा सकते बस यही एक बात थी ये एक नींव थी फाउंडेशन थी उनके सक्सेस की खुद के लिए दस रुपया कमाना तो उन्होंने एक तय किया सोचा कि मैं अपने लिए धंधा करूंगा धंधा क्या करेंगे पैसा तो था नहीं धंधा कैसे करेंगे तो दुकानदारों से सामान उधार पे लिया और वो जाके लोगों के घर घर जाके बेचने लगे मेरे फादर एक हॉकर बन गए फेरी वाले मकसद सिर्फ एक था दिन का दस रुपया कमाना और मुझे ध्यान है पहला दिन उन्होंने सत्रह रुपए कमाए थे फर्स्ट डे गुड स्टार्ट और मेरे माँ ने दस रुपया अलग रख दिया और सात रुपया अलग रख दिया जमा के लिए सेविंग्स हो गई और दस रुपया में घर का खर्चा चलता था ध्यान है नेक्स्ट डे बारह रुपए कमाए और दो रुपए अलग रख दिया दस हजार फिर ऐसा ये सिलसिला चलता रहा आहिस्ता आहिस्ता कुछ एक दिन पैंतीस रुपए कमाने लगे और एक बड़ा सौदा मिला मेरे फादर को उसमें उनको पांच हजार रुपए की जरूरत थी तो उन्होंने मेरे पांच हजार रुपए मेरे नाना से उधार लिए मेरे नाना बहुत रिच आदमी थे वो उधार लिए और करीब एक महीने में वो लौटा दिए उसमें उन्होंने साढ़े तीन हजार रुपया कमाए या पंद्रह सौ कमाई मुझे ध्यान नहीं है लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक अच्छा सौदा किया ये सिलसिला चलता रहा मकसद सिर्फ एक था शुरू हुए थे एक छोटी थे कि दस रुपये कमाना है और पैसा बनता गया बनता गया मुझे ध्यान है मेरे फादर उस समय भिवंडी गए थे भिवंडी जाते थे माल बेचने को भिवंडी कहाँ है बॉम्बे से दूर भिवंडी बॉम्बे से करीब पचास किलोमीटर दूर है आज भी लग जाते हैं करीब डेढ़ घंटा जाते, जाते आने जाने में और उस समय आने जाने में जाने में सिर्फ तीन घंटा लगते थे तो आने में छः घंटा टोटल बहुत दूर था लेकिन वो पैसा कमाने के लिए उतनी भी मेहनत करते थे सरवाइवल का था ना बात बात तो सर्वाइवल की थी घर में बच्चों को फीड करना था घर को फैमिली चलाना था हाँ फादर ने पैसा बनाया माँ ने उस पैसे को बचाया खर्चा नहीं किया और ये आहिस्ता आहिस्ता बचत में सेविंग्स होने लगी और आहिस्ता आहिस्ता यही हमारी एक नींव बन गई मुझे ध्यान है जब पैसा बना तो मेरे फादर ने एक दुकान में इन्वेस्ट किया दुकान खरीदी करीब कुछ सेवनटी वन सेवन टू में अप्रोक्सीमेटली बीस हजार की दुकान थी दुकान में खरीदी उस समय सेवेंटी टू बीस हजार कुछ था पैसा जमा तब तक कर लिया था और खोली दुकान एट्थ में सेवेंटी फाइव में मुझे वो भी ध्यान है पहले दिन दुकान के दिन ये सिलसिला चलता गया फिर एक घर भी और ले लिया और पैसा और बनता गया एटी थ्री में हम बैंड स्टैंड पे रहने को बांद्रा के बैंड स्टैंड पे जहाँ हम रहते हैं आज और एक मकान हमारा आज भी हमारे पास है शाहरुख खान साहब बाद में रहने को आए सलमान तो पहले ही रहते थे बाकी जो और अन्य रेखा रहती थी और जॉन इब्राहम पास में रहते हैं अभी सब बाद में रहने को आए शाहरुख शाहरुख भी बाद में रहने आए वो अच्छी जगह बैंड स्टैंड भांदरा बहुत प्रीमियम जगह है महंगी जगह है वहां पर रहने लगे ये एक सपना ही था कहाँ वो टाइम जहाँ पर हम 120 सौ बीस स्क्वायर फुट पर रहते थे और यहाँ पर बैंड स्टैंड रहते हैं फैंटेस्टिक हाउस लवली हाउस यही तो एक प्रोग्रेस का निशानी है ये सिर्फ मेहनत से शुरू हुआ है वही नींव रखी थी पैसा कमाना पैसा बचाना और उसको री इन्वेस्ट करना ला। और लाइफ बनती गई लेकिन लिविंग साधारण थी कभी फ्लाउट नहीं किया अपना पैसा ये सिलसिला चलता गया और तब तक यहां पर मैं पढ़ाई करने लगा जब एस एस सी पास कर लिया तो कॉलेज में चला गया डफर तो स्टूडेंट था ही तो अच्छे मार्क्स कहाँ से आते हैं तो फर्स्ट ईयर थर्टी एट परसेंट सेकेंड ईयर थर्टी सेवन परसेंट उससे कम थर्ड ईयर थर्टी सिक्स परसेंट और भी कम और फाइनली डेफिनेटली थर्टी फाइव होना था पास तो होना ही था लेकिन थर्टी फाइव में पास हो गया घसट घसट कर ग्रेजुएट बन गया तब जाके अंदर में एक आग लगी कुछ करना चाहिए उसके पहले नहीं लगी थी फिर तो मैनेजमेंट स्कूल्स में भी दाखिला मिल गया उस समय ईजी था मिल जाता था बस हो गया जब मैनेजमेंट किया फिर नौकरी भी करनी चाहिए नौकरी की एक कंसल्टेंट मिले फर्स्ट ईयर उसके बाद एक नौकरी की डालमिया डेरी इंडस्ट्रीज में यस yes. मैंने शुरू की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू द ब्रांच मैनेजर मेरी सैलरी थी 800 मेरे से कम किसी की सैलरी थी नहीं कम से कम से मेरी सैलरी मैं पढ़ा लिखा हाँ प्यून की सैलरी थी कम से कम लेकिन दो साल में इतनी मेहनत की इतनी मेहनत की जो भी काम करूं अच्छा होता था तो मुझे ले गए दिल्ली दिल्ली में नंबर टू मैन बना दिया मुझे वहां पर दिल्ली से दूर सत्तर किलोमीटर दूर एक दारूडा जगह है रेवाड़ी से सत्रह किलोमीटर दूर वहां पर फर्टिलाइजर प्लांट है वहीं पर हेल्प करने चला गया। तो वहां पर अच्छी जगह पर रहता था डिफेंस कॉलोनी में लवली प्लेस एक दिन नवंबर सेवेंटी नाइन में मेरे फादर आ गए दिल्ली में अचानक और मुझे बोला नौकरी छोड़ो मैं बोला क्यों बोला बस नौकरी छोड़ो मैं बोला क्यों तो उन्होंने कहा नीच नौकरी उच्च व्यापार बोले ये क्या बात है बोला मैंने भी नौकरी की है बेटा मैं बताता हूं जब तक काम अच्छा करते हो तो सेठ लोग सर पर बिठाएंगे जब तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी तो निकाल देंगे पता भी नहीं पड़ेगा आज वो बात सच हो रही है वो थी नाइनटीन सेवेंटी नाइन की बात चालीस साल के बाद हमने कोरोना देखा लोगों की नौकरी चली गई लोगों की सैलरी कट हुई ये बात तो सच्ची हुई लेकिन मैंने कहा कि मेरे कुछ शर्तें हैं फादर को बोला यही है बेटा बाप को शर्त लगाता है शर्तें रख रहा है कि आप बॉम्बे आने के मैं कह शर्त क्या है मेरे फादर ने बोला तुम्हारी सब शर्तें मंजूर अरे मैंने बोला मेरी शर्तें तो सुनो बोला नहीं सुननी है मुझे मेरा बेटा चाहिए बात पक्की और मैं बॉम्बे पहुंच गया तारीख थी सेवन जनवरी नाइनटीन मुझे ध्यान है दोस्तों मेरा नाम है प्रकाश गावा मेरी उम्र आज है सिक्सटी आप सोचते हो कि मैं अब क्यों अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं वो इंट्रोड्यूस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी कहानी तो यहीं से शुरू होती है आपने मुझे देखा होगा टीवी पर करीब बाईस तेईस साल से मैं टीवी पर आ रहा हूं लोगों को एडवाइस करता हूं स्टॉक मार्केट में मेरी शुरुआत कहां से हुई शुरुआत तो यहीं से हुई बॉम्बे पहुंचकर मैंने धंधा बढ़ाया एक दुकान और ले ली दुकान लेने के बाद एक्सपेंड किया फिर होलसेल भी किया उसे भी एक्सपेंड किया मैन्युफैक्चरिंग किया उसे भी एक्सपैंड किया अच्छी तरह एक्सपोर्ट भी किया काफी कुछ किया जहां चलता था मैं धंधा करता था और बहुत अच्छा पैसा बनाता था अगर काम अच्छा करो तो पैसा बनता है एक्सपैंड कर करके बंदा पड़ा के बहुत अच्छी उन्नति की बहुत पैसा बनाया एक बात तो पक्की है जब लक्ष्मी आती है तो लक्षण जाते हैं यह सुना था लेकिन अपने ऊपर अप्लाई करें कभी सोचा नहीं था कि ये तो दुनिया के लिए है कि हमको भी उसका असर होगा ये कभी नहीं सोचा था बस वही मेरा हुआ उस समय कुछ लोगों से मिला मैं जो कि स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग करते थे थे और वो बोलते थे, आज पैसा बनाया बोला वाह ये तो अनपढ़ लोग है मैं तो पढ़ा लिखा अगर ये लोग पैसा कमा सकते हैं मैं तो ज्यादा कमा सकता हूँ ये बात पक्की थी तो उनसे पूछा भाई कैसे करते हैं बोले हमने स्टॉक लेते हैं बेचते हैं ऐसे वाह मैं तो सारा दिन मेहनत करता हूँ कहता हुआ तुम तो बेगर मेहनत करके कमाते हो स्टॉक लेना चाहिए तो मैंने एक स्टॉक मुझे रेकमेंड किया जो मैंने चौदह रुपए में लिया था मुझे ध्यान है एक महीने में उसका अट्ठाईस यही तो धंधा है अगर ये बेवकूफ़ लोग कमा सकते हैं तो क्योंकि मैं अपने आप को स्मार्ट समझता था स्मार्ट हो नहीं लेकिन ये लोग कमा सकते तो मैं तो कमा सकता हूँ तो ऐसा मैं लोगों से टिप लेने गया लोग टिप देते थे मैं ट्रेड करता था पैसा कमाता था हारता था कमाता था नीचे एक बात तो देखी मैंने अगर ऊपर जाता तो मैं बेच देता था स्टॉक बेचने के बाद और ऊपर जाता तो मुझे दुख होता था अरे क्या हुआ नहीं बेचना चाहिए था रुकना चाहिए था मेरे को मालूम था ऊपर जाने वाला है ऐसा सोचता था फिर नहीं बेचता था फिर नीचे आता था मतलब अरे कोई बात नहीं है तो ऊपर जाएगा ये सिलसिला चलता गया चलता गया चलता गया और मैं उसमें घुसता गया घुसता गया घुसता जिस पैसे से धंधा कमाया जिस पैसे जिस धंधे से पैसा कमाया था उसको तो मैं भूल ही गया फोकस किया स्टॉक मार्केट में जो कि एक नया धंधा था पैसा कमाना गया था और लॉस होते गया होते गया होते गया जब मार्केट आपके ट्रेंड आपके साथ है तो मार्केट आप सही होते हैं जो खरीदते हैं ऊपर जाता है जब अगर ट्रेंड डाउन है तो जो खरीदेंगे तो नीचे आएगा ये मुझे कुछ पता नहीं था ट्रेंड वेंड का चक्कर मुझे लगा कि सभी लोग स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते यही तो एक दुर्भाग्य की बात है स्टॉक मार्केट में लोग पैसा कमाते हैं सबको तुतारी बोल देते हैं मैंने पैसा कमाया पैसा कमाया पैसा कमाया और जब लॉस करते हैं तो कोई किसी को नहीं बोलता मैं लॉस करता तो पकड़ के कोने में रहते हैं तो सबको लगता है कि सभी लोग पैसा कमाते हैं सबको लगता है कि सभी लोग कमाते हैं पैसा सबको लगता है कि सभी लोग कमाते हैं पैसा अरे भाई को जब पैसा कोई कमाता है कोई तो लॉस करता होगा ये तो अंदाजा किसी को है नहीं मैंने सोचा मुझे लगा सभी लोग पैसा कमाते हैं लॉस कौन करता है कभी तो मैंने सोचा ही नहीं हुआ क्या लॉस होता गया होता गया होता गया यह सिलसिला चलता गया मुझे पता ही नहीं पड़ा मैंने क्वांटिटी बढ़ाने लगी लॉस को कवर करने के गया।, गया था पैसा कमाने को लॉस होने लगा तो क्वांटिटी बढ़ाई ताकि डबल रिकवरी होगा और नीचे गया ये सिलसिला चलता गया चलता गया चलता गया और करते करते मैंने करोड़ों रुपया गवा दिए जो वेल्थ कमाई थी माँ बाप ने फादर की मदर की भाइयों की सब गवा दी मैंने मार्केट स्टॉक मार्केट मुझे पता भी अंदाजा भी नहीं हुआ और टाइम निकल गया पता भी नहीं पड़ा एक दिन मैं दवाई की दुकान पर गया दवाई का नाम था एम्लोपिन मुझे एम्लोपिन चाहिए था मैंने एम्लोपिन मांगी उसने मुझसे बारह रुपए मांगे और मेरे पास से सिर्फ दस रुपए और वो दस रुपये आज भी मेरे पास है वो दस रुपये आज भी मेरे पास है संभाल के रखे तो मैंने वो, उसने बोला ले जाओ मतलब मैं, मैं आता हूँ दो रुपया लेके आता हूँ तो मैं छोटे भाई के पास उसको बोला मुझे दो रुपया देना मतलब क्या चाहिए मुझे दवाई चाहिए कौन सी मतलब एम्लोपैन बोला मैं मंगा था उसने अपना ड्रावर खोला उसके पास सिर्फ पचपन रुपए थे मैंने दवाई ली आया और घर पर आया मैंने वाइफ को बोला घर का खर्चा कैसे कम कर सकते हैं तो हमने कुछ बातें की कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं उन्होंने मुझे बोला कि अगर मुझे आप पाँच सौ रुपया दिन का दो तो मैं घर चलाऊंगी ये थी उम्र मेरी फोर्टी सेवन की बार नाइनटीन मेरी उम्र थी 47 ये 2000 की बात है हम थे छः लोग घर पे मेरा छोटा भाई उसकी वाइफ और बेटा मेरी वाइफ और मेरा बेटा हम छः लोग पैसे खाता मैं घर के बाथरूम में बॉयलर था गर्म उसका मैंने स्विच निकाल दिया मतलब मेरे पास पैसे नहीं खाने के लिए और मैं गर्म पानी से ना तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा तो मैंने बंद कर दिया बॉयलर ठंडे पानी से ना ले लेंगे अब ये ज़माना था पैसा नहीं है तो क्या करेंगे तो उसने मेरी वाइफ ने घर चलाया सिर्फ दाल चावल में सिर्फ दाल चावल डेढ़ साल तक और मुझे बोला ये मुझे मिठाई बनानी आती है तो ये मिठाई का मैं ऑर्डर लूँगी ऐसे ठीक है कर लो तो उसने मिठाई बेचना शुरू कर दिया पैसा बनाने के लिए और मैंने बोला एक बात मुझे पहली बार एहसास हुआ उस दिन वो एहसास क्या था मैंने बोला कि अगर मैंने नुकसान किया है कोई तो होगा जिसने मेरा पैसा कमाया मेरा नुकसान किया है तो कोई तो होगा मेरा पैसा अगर वो आदमी पैसा कमा सकता है तो प्रकाश गावा ये पहली बार एहसास हुआ उसके पहले एक बार भी एहसास नहीं हुआ मैं तो कहता हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन अगर आपको मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको पहले तय करना पड़ेगा रिजॉल्व करना पड़ेगा कि पैसा कमाना है उस दिन मैंने तय किया कि मुझे पैसा मार्केट से कमाना है मुझे पता नहीं था कैसा कमाना है लेकिन मैंने बोला करना है बोला कुछ तो तरीका होगा पैसा कमाने का मैं लोगों के पास गया अच्छे अच्छे ट्रेडर्स के पास गया मैं उनके नाम नहीं लूंगा उनको बोला मुझे सिखाओ मुझे कोई सिखाने को तैयार नहीं मैं तो अनोन आदमी था मुझे कौन सिखाएगा आज तो सब लोग मुझसे हाथ मिलाएंगे लेकिन उससे कोई मुझसे मिलने को तैयार नहीं किसी ने नहीं सिखाया मुझे एक ट्रेडर मिल गया अमेरिका में नेट पर देखा मैंने मैंने उसको एक मेल भेज दिया टीच मी सिंपल छोटा लाइन का मेल आई एम फ्रॉम इंडिया याद है मेरे को तो उसने मुझे मेल भेजा यस आई विल टीच यू कम टू अमेरिका आई सेड ओके कम टू अमेरिका फिर उसका और एक मिला I will charge you आ, ये क्या उस समय डॉलर का रेट था चालीस रुपया मैं पहुंच गया अमेरिका मेरे मामा जी रहते थे मामा जी से चार हजार डॉलर लिए मैंने उसको मैंने जो उधार दिए थे एक टाइम पे जमाने पे जो बॉम्बे उनकी हालत खराब थी मैंने दिए थे पैसे वो वापस ले लिए मैंने उससे और मैंने उसको दे दिए उस दिन मेरे तीन घंटा भिजाया मैंने उनको सुना अच्छी तरफ जो बोलते थे मैं सुन रहा था वो जो बोलते थे मैं सुन रहा था पैसे मैंने दिए थे तीन घंटे के मैं बात करूंगा तो पैसे मेरे लगते हैं फिर बात करने के पैसे थोड़ी है मेरे को तो सुनने के पैसे दिए थे ये सुन सुन के काफी हो गया मेरा काम उसने मेरा माइंडसेट चेंज किया अब बॉम्बे में गया फायर्ड अब अब तो मैं पैसा बनाऊंगा लेकिन फिर भी स्ट्रगल जो होती है ना स्ट्रगल तो स्ट्रगल होती है मेहनत तो करनी पड़ती है बच्चे को वॉक करो तो भी उसको वॉक करने में देर लगता है ट्रेडर बनने में भी देर लगता है इतना इजी ओवरनाइट कोई नहीं बनता मेहनत तो करनी पड़ती है ये करते 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 मैंने पैसा बनाया एक बात मुझे और याद है जब मैं छोटा था छह सात आठ नौ साल का था मुझे ध्यान नहीं मेरे मदर और फादर बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि पहला एक लाख बनाना बहुत मुश्किल है पहला एक लाख बनाना बहुत मुश्किल है और एक लाख से दो लाख बनाना थोड़ा इजी है और दो लाख से तीन लाख बनाना और इजी है ये बात मेरे दिमाग में थी ये टाइम करोड़ों का था और मैं करोड़ों लॉस कर चुका था लेकिन मैं सोचा कि मैं पहला लाख बनाऊंगा मैंने बहुत तय कर दिया मैं पहला लाख अपना बनाऊंगा पैसे नहीं थे बनाऊंगा एक लाख एक बात बताना भूल गया जब मैं पैसे नहीं ना नहीं थे उस समय मेरे पास साढ़े चार लाख का ओडी फैसिलिटी था बैंक में तो सर्वाइवल का प्रॉब्लम नहीं था आप लोग सोचते होंगे इसने सर्वाइव कैसे किया पांच सौ का साढ़े चार लाख का ओडी फैसिलिटी था दुकान में उसे हम सर्वाइव तो कर लिए पाँच सौ दिन का वो तो ठीक है बात जब मैंने तय कर लिया कि मैं एक लाख बनाऊंगा बात तो ये हो गई धीरे धीरे करके मैंने जमा करने लगा पैसा कि मेरा एक लाख बनेगा तब मैंने अस्सी हजार तक पहुंच गया जमा किया मुझे ध्यान है एक दिन वो दिन याद है मुझे सत्रह सितंबर 2002 का जब मेरे छोटे भाई को जिन्होंने मुझे दवाई लेके दी थी उसको पैरल्टिक स्ट्रोक हो गया सुबह सुबह मैं उसको हॉस्पिटल ले गया हिंदुजा हॉस्पिटल महिम उसको दाखिला दिला दिया वहां पर और वो ग्यारह दिन अस्पताल में थे रिलीज हुआ ट्वेंटी दो हजार दो उस ग्यारह दिन का बिल आया पांच सौ पैंतीस रुपया हाथ में लेकर मैं उस बाइक को घर ले आ रहा था वहां पर एक महिम की दरगाह थी तो मैंने उस छोटे बाइक को बोला महेश इस पर हाथ लगा उसने हाथ लगाया और मैं पांच सौ पैंतीस रुपया गरीबों में बांट दिया खाना खिलाने के लिए भगवान की कुछ दुआ लगे जो कि मेरे छोटे भाई को संभाल सके घर ले आया वापस बैक टू तो जीरो टेक्निकली इसको कहते हैं डबल बॉटम पहले तो 2000 में पैसे नहीं थे अब वापस जीरो हो गया टेक्निकली डबल बॉटम तो मैंने आगे वाइफ वाइफ को बोला कि अस्सी हजार अब गए वापस लाइफ फ्रेश हो तो उसने बोला थैंक गॉड कि गॉड गेव यू एटी थाउजेंड रुपीज़ यू टेक केयर ऑफ भैया अगर अस्सी हज़ार नहीं होते अपने भैया का ख्याल नहीं कर सकते अच्छी बात है कम से कम गॉड ने अस्सी हज़ार दिया लेकिन एक बात बताना भूल गया मेरी जो स्ट्रगल थी वो तो शुरू थी बंद तो कभी हुई नहीं उस समय एक ब्लॉग लिखता था मैं ब्लॉग लिखता था और वहाँ के जो मार्केटिंग मैनेजर थे उसको मेरी ब्लॉग बहुत पसंद थी मुझे आता था सीखा था मैं सीखना शुरू था ब्लॉग लिखना भी शुरू किया खुद के लिए जो खुद के लिए लिखता था वो उनके लिए लिखता था कि कल मार्केट कैसा होगा तो जब वो मार्केटिंग मैनेजर शिफ्ट हुए वो दूरदर्शन के लिए कोई कैप्सूल बनाते थे तो मुझे बुलाया उन्होंने कि दूरदर्शन में आप एक शो करो तो हफ्ते में दो दिन में शो करता था उनके शाम को और दूसरे जन प्लग करते थे वो शो वहां पर मुझे उद्यन मुखर्जी ने देख लिया जो सीन बिजी हुई थे उन्होंने मुझे बुलाया तो वहां पर मैं आने लगा हाँ मैं टीवी पर तो भी, भी, भी आता था सब कुछ था लेकिन मेरी जो एफर्ट थी वो हंड्रेड परसेंट ऑन थी उस समय भी पढ़ता था आज भी पढ़ता हूँ पच्चीस साल के बाद स्ट्रगल उस समय भी था स्ट्रगल आज भी है स्ट्रगल किसको बोलते हैं मेहनत को स्ट्रगल बोलते हैं स्ट्रगल मतलब ये नहीं कि खाना नहीं खाना मेहनत को उस समय मेहनत करता था आज भी मेहनत करता हूँ ये सिलसिला चलता रहा इस दौरान स्ट्रगल के दौरान मुझे लगा कि कभी कुछ ट्रेड सही जाते हैं कुछ नहीं चाहते तो अपने आप को एजुकेट करते 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 मैंने एक टेक्निकल का डिप्लोमा भी ले लिया लंदन से उसके बाद में मैं एक 2006 का मैंने फिर एक एग्जाम दिया वो था सी एफ टी सर्टिफाइड फाइनेंशियल टेक्नीशियन ये वर्ल्ड में आज करीब 3900 या 3000 के लोग हैं कुछ वर्ल्ड में हिंदुस्तान में 390 हैं और मैं फर्स्ट इंडिया का सी एफ टी तो बन गया अब इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरी लाइफ थोड़ी ट्रैक में आने लग गई पैसा बनने लगा ट्रेडिंग करता था प्लस माइनस प्लस माइनस होता लेकिन स्ट्रगल जारी था ये सिलसिला चलता गया फिर 2009 में सब कुछ ठीक था और लाइफ में फिर एक झटका लगा वो झटका क्या लगा मुझे पैरालिटिक स्ट्रोक हो गया 2009 में थर्ड मार्च मेरा पूरा लेफ्ट साइड बंद था चलता नहीं था लेफ्ट उंगली नहीं चलती थी मिलीमीटर नहीं चलती थी मेरा फेस हो गया था ऐसे मेरे हाथ थे ऐसे और मेरी स्पीच थी ओवर यू हाउ आर यू बोलता था यू ऐसे कुछ समझ में नहीं आता था मेरी वाइफ मुझे मिलने आई ऐसे यू में जब मैंने उसको देखा तो मैंने उसको पहले शब्द बोला सेंटेंस बोला मैं राइट हैंड मेरा ठीक है राइट हैंड इज ओके आई कैन वर्क उस समय भी मैंने नहीं सोचा कि मुझे लेफ्ट साइड क्या हो मारो गोली लेफ्ट और राइट से मैं काम कर सकता हूँ बोला यस यस यू कैन वर्क ये काम सिलसिला चलता गया मैंने काम नहीं छोड़ा घर पर आया सबसे पहला डिसीजन लिया कि मैं मेरी मर्सिडीज बेच दूंगा बड़ी गाड़ी चला था कोई नहीं था मैं अकेला था बेटा बाहर था मेरी वाइफ के साथ अपनी गाड़ी थी छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी चला रही तो मैंने गाड़ी बेच दी मर्सिडीज छह हफ्ते के अंदर मैंने बहुत मेहनत की फिजियोथेरेपी स्पीच थेरेपी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा ट्रैक भी लगा विद इन सिक्स वीक मैं कुछ गाड़ी चलाने लगा सुबह छः बजे आहिस्ता आहिस्ता तो फिर मैंने फिर डिसीजन लिया गाड़ी खरीदने का लेकिन छः हफ्ते के अंदर मैंने अपना एक हवाई जहाज भी उड़ाया मेरे दोस्त का हवाई जहाज उड़ाया मैंने मुझे कुछ ऐसा करना था जो कि मैं अपने आप को जो बैरियर है बैरियर को पार करना था मैंने हवाई जहाज उड़ाया विद इन सिक्स वीक और नौ महीने के अंदर काफ़ी हद तक नाइन्टी परसेंट ठीक हो गया आज मेरी उम्र सिक्सटी नाइन है सन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री क्या आपको लगता है कि मुझे कभी पॉलिटिक्स स्ट्रोक हुआ क्या आपको एक बार भी अंदाजा आता है मेरे पूरा लेफ्ट साइड बंद था क्या मेरी स्पीच नहीं थी बार, क्लियर क्लियरिटी ऑफ स्पीच नहीं थी क्या मेरा मुंह ऐसा लगता है कुछ नहीं लगेगा क्योंकि मैं एकदम नॉर्मल बन गया मेहनत करनी पड़ती है फाइट करनी पड़ती है लाइफ तो ट्रैक पे आ गई अब दो में आप मुझे देखते हैं ट्रीट करता हूँ आज भी 16 से 18 घंटा काम करता हूँ काम पहले भी उतना करता था आज भी करता साढ़े पांच बजे उठता हूं, काम करता हूँ सारा दिन काम करता हूँ का स्ट्रगल है इतना ईजी नहीं अब लाइफ को ग्रांटेड नहीं लेना है जीता हूँ दिल से नो डाउट लेकिन काम भी बहुत मेहनत से करता हूँ हाँ आज मेरी एज सिक्सटी नाइन है आप सोचते होंगे मैं आपको ये बताता क्यों और बताता इसलिए चाहता हूँ कि जिंदगी में स्ट्रगल तो फर्स्ट डे से लास्ट डे तक होना चाहिए लास्ट डे तक होना चाहिए ऐसा आप स्ट्रगल यू कांट आप कुछ चीज को ग्रांटेड ले ही नहीं सकते अगर आप ग्रांटेड लेते हो तो धोखा मिलता है जैसे मेरे पास पैसा बहुत था लक्ष्मी आई लक्ष्मण चले गए तब क्या मैंने वेल्थ को ग्रांटेड लिया आप कोई ग्रांटेड ले नहीं सकते मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया मेरे मन मेरे अंदर एक बच्चा है वो बच्चा बहुत हमेशा देखता है कि मैं और क्या करूं क्या सीखूं मैं क्या कर सकता हूं वो बच्चा सिक्सन की उम्र में भी है बता ना चाइल्ड न्यू यस मेरे में एक बच्चा है मैंने नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में स्कीइंग सीखा ये स्कीइंग क्या है स्नो स्कीइंग आप स्नो पर स्कीइंग करते हो आराम से घिसटते हो फोर्टी सेवन ईयर्स से मैं स्कीइंग करता हूँ उस समय तो स्कीइंग हिंदुस्तान में शुरू हुआ था नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में एक ग्लाइडर पायलट बना ग्लाइडर पायलट ग्लाइडर क्या होता है ग्लाइडर एक हवाई जहाज है जिसमें कोई पावर नहीं होता एक छोटी बैटरी नहीं होती 1.5 पॉइंट वोल्ट की वो आपको ऊपर छोड़ते हैं और उसको आप ग्लाइड करते हैं आप घंटों ऊपर रह सकते हैं हवा के हवा को फील करके और फाइनली आप लैंड करते हैं आहिस्ता करके उसको बोलते हैं ग्लाइडर और हवाई जहाज़ में तो पावर होता है ग्लाइडर में तो कुछ नहीं होता एक ही मौका मिलता है लैंड करने का आपने लैंड किया तो सही अदरवाइज गुड बाय लेकिन वो भी सीखा मैंने वहाँ पर एक रिकॉर्ड कायम किया हुआ है फोर्टी टू लॉन्चेज सोलो आज तक किसी ने वो रिकॉर्ड तोड़ा नहीं फास्टेस्ट सोलो रिकॉर्ड है मेरा सेवेंटी सिक्स की बात है वो सेवेंटी सिक्स से स्कीइंग किया नाइनटीन एटी में हैंग ग्लाइडिंग किया हैंग ग्लाइडर लेते हैं खुद का बनाया है हैंग ग्लाइडर और पहली बार उड़ाया है पाइनियर ऑफ ग्लाइडिंग बोलते हैं जो कि हिंदुस्तान में हैंग ग्लाइडिंग मैंने शुरू किया नाइनटीन एटी की बात है एटीन एटी वन उसके बाद पैरा मोटरिंग किया उसके पहले स्काई डाइविंग किया हवाई जहाज से जम्प करना हवाई जहाज से जम्प करना अपना पैराशूट खुद खोलना और आता फ्लाई कर कर लैंड करना डर लगता है क्योंकि हवाई जहाज को आप पकड़ते हैं और छोड़ते हैं और गिरते हैं फिर उसका तो पैराशूट खोलते हैं फिर उतरते हैं वो सब किया क्यों चैलेंज करने को अच्छा लगता है और इस साल 21 आज आज ये फेबर है लास्ट वीक ऑफ जनवरी में स्कीइंग कर कर आया हूँ स्नो स्कीइंग गुलमर्ग में अच्छा स्कीइंग किया एक दिन के लिए किया लेकिन किया और चार दिन के बाद वहां पर एवलांश भी हुआ स्नो हुआ जहाँ पर गिरता था स्नोफॉल दोस्तों आप लोग सोचते होंगे मैं आपको बता क्यों रहा है ये मुझे ऐसा स्तब्ध हुआ जब मेरे को पैलेट्रिक स्ट्रोक हुआ जब मेरा लेफ्ट साइड बंद हुआ उस समय मेरे पास सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी हेल्थ और मेरा कुछ भी पैसा कोई कुछ नहीं कर सकता था वो तो मेरी हेल्थ वापस नहीं ला सकता मैं लक्की हूं कि मैं हेल्थ वापस हेल्दी हो गया उसके बाद मैंने सोचा कि लिव लाइफ किंग साइज एवरी डे रोज एक दिन जियो जैसे ये आज लास्ट डे वैसा जियो लिव वन डे एट अ टाइम हाँ आपको कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए आपके बैरियर्स होंगे बैरियर को क्रॉस करना जरूरी है आपका जब तक आप बैरियर्स तोड़ते नहीं आप आगे बढ़ते नहीं है लाइफ में स्ट्रगल तो होती रहेंगी क्यों नहीं होंगी होनी भी चाहिए हमारा धर्म बनता है उस स्ट्रगल से पार होकर एक नया रास्ता ढूंढे और मैं कहता हूं नेवर गिव अप इन लाइफ नेवर मैंने टाइम कम्स टू गिव अप दैट इज द टाइम टू ट्राई हार्डर एवरी डे इज अ न्यू डे एंड मैं बोल रहा हूँ एक अंग्रेजी में थिंक एंड बिलीव दुडे इज द फर्स्ट डे फॉर द रेस्ट ऑफ या लाइफ अगर आज भी आपको कुछ शुरू करना है ना आज वो पहला दिन है पहला दिन आज शुरू कीजिए नया चीज़ लाइफ टाइम के लिए पता नहीं कितनी जिंदगी और लिव लाइफ वन डे एट अ टाइम थैंक यू दोस्तों कि आपको मेरी कहानी से कुछ थोड़ी प्रेरणा मिली होगी अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं थैंक यू वेरी मच जोशॉक्स फॉर इन्वाइटिंग मी इतना कह सकता हूँ दिल से शुक्रिया क्योंकि आपने ये टॉक देखी है इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में सही स्किल्स के जरिए पैसा कमाना चाहते हैं और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं चाहे कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट करना या फिर इन्वेस्टमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना इन सब में आपकी मदद करता है जोश टॉक्स का जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप यहाँ पर आपको मिलती है यहाँ पर आपको मिलती है ढेर सारी एक्सरसाइजेस और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है एक ऐसी जो हेल्प फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स को बड़े आसान तरीके से समझने में। देर किस बात की अभी डाउनलोड करिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और लीजिए अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम